गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग लेंसेज के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे और लेंस से बनने वाली इमेजेस के बारे में पढ़ना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, काफी सारी चीजें जो आप बिल्कुल बिगनिंग में पढ़ के आए हो, नाइन्थ में पढ़ के आए हो, टेंथ में पढ़ के आए हो, उनको हम लोग यहाँ पे रिपीट भी करेंगे। और नो डाउट जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होती तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। मैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का। देखिए, फोकस जो है वो बेसिकली सब जानते हैं क्या, एक ऐसा पॉइंट जहां आकर के बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। फोकस, जैसे मैं कहता हूं जी कि मैं उस शॉप में कपड़े खरीदने गया था तो एक पर्टिकुलर ड्रेस के ऊपर मैंने अपने आप को फोकस किया या मेरा फोकस हो गया। इसका मतलब वहां बहुत सारी ड्रेसेस लगी थी लेकिन मैं किसी को नहीं देख रहा था, मैं एक ही को देख रहा था, यानी मैं वहां पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो गया। बस ये कॉन्सेप्ट अगर मेरे को क्लियर हो गया तो फोकस का भी क्लियर हो गया। अब मैं बात करना चाहूंगा फर्स्ट यानी पहला फोकस। अब नॉर्मल सी बात है, वहां पे मान लीजिए बहुत सारी ड्रेसेस थी, उनमें से सबसे पहले नजर मेरी जिस ड्रेस पे पड़ी, जिस पे मैंने उस अपने आप को फोकस कर लिया, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब यहां थोड़ा सा मीनिंग इसका बदल जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है? बेसिकली एक ऐसा फिक्स पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां से स्टार्ट होने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पे ये कहोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि वो जो है ना फोकस किया, यानी आपकी आईज से कुछ गया। और नहीं बेटे, मेरी आईज से कुछ नहीं किया था। बेसिकली जो वो अच्छी ड्रेस थी वहां से जो लाइट रेज आ रही थी, निकल रही थी, वो मेरी आई में एंटर कर रही थी। वही कॉन्सेप्ट यहां पर कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है यहां से लाइट रेज निकल रही है और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो मैं इसे क्या कहता हूं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने यहां डिफाइन भी कर रखा है और भी लिख भी रखा है इन कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव में भी होगा तो यही कि भैया इस पॉइंट से इमेजिनरी चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहां भी वही है लेकिन यहां पे रेज जो होंगी कैसी होंगी, इमेजिनरी होंगी, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से चलना शुरू करेंगी और यहां पे रियल होंगी। तो मैं दोनों ही इमेजेस को ध्यान से देखता हूं और यहां से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को समझने की कोशिश करता हूं। आई होप सो समझ में आ भी गया होगा। अब ये तो हो गया मेरा फर्स्ट प्राइमरी फोकस। नो डाउट जो मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट प्राइमरी फोकस तक की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो क्या होगी मेरी, वो कहलाएगी मेरी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेंथ। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोको लेंथ होती है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा, ये चीज काफी पुरानी है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस इसका ऑलमोस्ट उल्टा होता है डियर स्टूडेंट, कि पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाए, फोकस कर जाए, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर जाए। तो नो डाउट जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है उसकी वैल्यू हमारे सिलेबस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेंथ के बराबर ही होगी क्योंकि हमारे यहां इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ही हैं। क्या है डियर स्टूडेंट्स, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैं। तो अगेन फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोको लेंथ इज पॉजिटिव एंड कॉनकेव लेंस फोको लेंथ इज नेगेटिव। अपर्चर, अब देखो है तो बड़ी छोटी चीज लेकिन यहां मैं इसलिए इसको क्लियर करना चाहता हूं कि जब अपार्चर की बात आती है तो कई बार हम लोग एरिया का कॉन्सेप्ट ले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपार्चर के केस में एरिया का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं होता। ये बेसिकली डायमीटर है, वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। किसका, सर्कुलर बाउंड्री का। मान लिया ये लेंस है, अब इसकी सर्कुलर बाउंड्री का ये डायमीटर जो होगा, इस डायमीटर को मैं क्या कहता हूं, अपार्चर कहता हूं। इसके बाद फिर दोबारा से आ गया क्या, न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी लेंथ को मेजर करने का तरीका। तो डियर स्टूडेंट्स, लेंथ जब भी हम लोग लेंस के लिए मेजर करना चाहेंगे
तो चीजें कोई नई नहीं है, पुरानी ही है, लेकिन बार बार मैं इसको इसलिए एम्फेसाइज देता हूं कि अगर आपको साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं है तो कभी न्यूमेरिकल ठीक हो ही नहीं सकता। ज्यादातर बच्चे दो जगह गलती करते हैं, फॉर्मुले सबको याद होते हैं, वो फॉर्मुला शीट बना लेते हैं या बनी हुई हमारी जो साइट है वहां से उठा लेते हैं, फॉर्मुले सब रट लेते हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल फॉर्मूला रटने से कभी भी नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो तभी होगा जब आपको सारी पीछे की कहानी यानी सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें क्लियर हैं। तो ड्यूरेशन उसी पे हमारा फोकस है। अगर हम बिगिनिंग से इन चीजों को करते चले जाते हैं तो कभी फिजिक्स में न्यूमेरिकल के न होने के गलत आंसर आने की प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, बहुत कम, रेयर। चलिए तो डेस्टूडेंट्स ये लेंस है, लेंस में ये सबसे पहला मैं आपको पॉइंट बताता हूं, दैट इज व्हाट ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर कैसे निकालोगे, किसी भी लेंस के दो एक्सिस होंगे, ये आपने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर कर लिया, दूसरा ये वर्टिकल एक्सिस कंसीडर कर लिया, ये दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। डायरेक्शन जितनी भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो ऑप्टिकल सेंटर से ही आप करोगे, ठीक है। अब डिस्टेंस मेजर या तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगी या तो नीचे होंगी। तो डिस्टेंस हाइट का जब कॉन्सेप्ट आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेरी कैसी होती है, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट क्या होती है, नेगेटिव। अगर ये हाइट यहां भी है तो मैं इसको नेगेटिव ही कहूंगा, गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑर नॉट, और अगर हाइट मेरी यहां है तब भी मैं इसको पॉजिटिव ही कहूंगा। तो ये हो गया हाइट का कॉन्सेप्ट। अब बात आती है क्या जो वर्टिकल एक्सिस है उसके पहले या उसके बाद। तो ऐसी स्थिति में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को ध्यान रखना होता है अपने ऑब्जेक्ट को, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड को कंसीडर करके हम लोग लेंथ मेजर की बात करते हैं। मान लीजिए यहां पर मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इधर जा रही है, डिस्टेंस मेरे को सारी मेजर करनी है इस पॉइंट से, तो अगर मैं इस पॉइंट से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आगे कोई भी डिस्टेंस मेजर करता हूं तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव, और अगर इस एक्सिस से मैं अपोजिट टू इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी, मैं इसके अपोजिट कोई भी लेंथ मेजर करता हूं, कोई भी डिस्टेंस मेजर करता हूं, दैट मस्ट बी नेगेटिव। तो मैं समझता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स मैं अनऑफिशियली एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव। तो नो डाउट एक्स एक्सिस पर लेंथ है जिनमें यू वी एफ आती है जनरली हम लोगों की, वाई एक्सिस पर हमारा हाइट है। तो बच्चों ये अनऑफिशियल कॉन्सेप्ट है लेकिन ऑलमोस्ट 99% जगह पे ये वैलिड होता है, इसलिए आप इस तरह से भी देख सकते हो अगर आपको सारी चीजें क्लियर नहीं है तो। वैसे तो पहले आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्टेशियन सिस्टम है कि भैया हम किस तरह से लेंथ को मेजर करते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। मैं फिर एक बार दो सेंटेंस में क्लियर कर देता हूं इस चीज को। अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट इज पॉजिटिव, अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट चल करके कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट इज नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी हाइट का कॉन्सेप्ट है दैट इज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी, अब मैं इसको डेप्थ नहीं कहूंगा ये भी हाइट है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी हाइट है दैट इज नेगेटिव। तो बच्चों मैंने कई सारे तरीके से आपको क्लियर किया, हालांकि ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए था। अब चूंकि लेंस की बात हम कर रहे हैं, हमारे जो न्यूमेरिकल आता है वो लेंस पे ही आता है 99% केसेस में, इसलिए इसको दोबारा से कराना मैंने उचित समझा। अब एक अगेन ऐसी चीज जो आपको 12th में तो नहीं करनी चाहिए, यानी 10th में ही करके आनी चाहिए थी, आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसको आप जाकर के जरूर सिखा दें 10th में, इमेज फॉर्मेशन। जब तक आपको ये इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक निश्चित रूप से आप न्यूमेरिकल्स में अटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, रटते रहेंगे, और रटने से न्यूमेरिकल कभी होगा नहीं। तो देयर इज अ प्रीलिमिनरी थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर एनी न्यूमेरिकल। टाइम लग रहा है, एक घंटा लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा छोटा सा होता है एक घंटा, लेकिन हमें चीजें क्लियर तो हो जाएंगी बच्चों। चलिए सबसे पहला कौन सा, मैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों को साथ साथ लेके चलूंगा।
कंफ्यूज नहीं होना, नोट्स आपके पास में है, ठीक है, रिवाइज करोगे सारी चीजें क्लियर होंगी। कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली कोई भी रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे मिलेगी। ये बात समझ में आ गई? कॉन्वेक्स लेंस में फोकस से चलने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। दूसरी बात समझ में आ गई? दोनों बातें मैंने कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको समझाई हैं। अब कॉनकेव के लिए इनका उल्टा होगा क्या? देखो जरा, पैरेलल आने वाली रे डाइवर्ज होगी तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, मेरे को इसको वापस लाना होगा, डॉटेड लाइन से मैंने शो कर रखा है, मिलेगी फोकस पे। इसी तरह से फोकस से चलने वाली रे अब इमेजिनरी है तो नो डाउट आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज को लेकर के, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा मैं और आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं बात करना चाहूंगा ऑप्टिकल सेंटर की। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मजेदार सा कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी वे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी तो विदाउट एनी डेविएशन किसी भी लेंस में वो सीधे चली जाएगी, कोई डेविएशन उसमें नहीं होगा, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा, इसके पीछे नो डाउट 5 मिनट 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा टॉपिक फिर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। बस ध्यान रख लीजिए कि ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होने वाली कोई भी रे अनडेविएटेड क्रॉस करेगी, निकल जाएगी। अब जरा हम अगली बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स इमेज फॉर्मेशन के लिए। देखिए, ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर या 2f से पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है तो उसके लिए इमेज फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं। कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेन होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम हेड का और टेल का, ये ऑब्जेक्ट का हेड ए और टेल या बॉटम बी, दोनों के लिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं। वैसे तो हर पॉइंट से 10^6 रेज निकलती हैं, लेकिन मैं उन सबको तो यहां शो नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूं, मैं नो डाउट यहां कुछ रेज लेकर के इमेज फॉर्मेशन करता हूं। मैं हेड से ए से 2 रे कंसीडर कर रहा हूं। पहली रे जो पैरेलल है, मैंने भी बताया था पैरेलल जाने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से निकलेगी, आपने सीधे निकाल दी। दूसरी रे किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी वो अनडेविएटेड सीधे बाहर निकल जाएगी। अब जहां भी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू। अब बॉटम की बात करें, ए की बात करें, देखो बच्चों, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अलोंग भी तो रे जा रही है। ये नो डाउट कहां से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, अनडेविएटेड सीधे निकल जाएगी। इमेज फॉर्मेशन जहां मेरा हेड का हो रहा था उसी जगह पर टेल का भी हो जाएगा। अल्टीमेटली इमेज फॉर्मेशन मुझे क्लियर हो गया। तो दो चीजें जो मैंने ऊपर पढ़ी थी उन्हीं के बेसिस पे इमेज फॉर्मेशन मैंने करके आपको दिखा दिया। अब जरा डियर स्टूडेंट्स 2f पे रख के देखो, ये केस आप चाहो तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, छोटे बच्चे जो 10th के होते हैं वो तो रटके ही जाते हैं, तो रटके नहीं जाना चाहिए, एक बार इनको सेल्फ रियलाइज कर लेना चाहिए। एक बार समझ लो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने कोई भी कॉन्सेप्ट जब फर्स्ट टाइम आ रहा है बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, खूब टाइम लो लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग में डाल लो। एक ही चीज को 100 बार पढ़ो और जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ जाओ, बिना समझे आगे बढ़ जाओ, वो कभी आपकी नहीं हो सकती। आप 2 बार पढ़ो, पहली बार बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ो, एक ही बार में सारी चीजें क्लियर कर लो। मान लो कुछ थोड़ा बहुत रह गया, कोई डाउट आ गया, तो टीचर के साथ दूसरी बार पढ़ लो, काम खत्म। आपको 100 बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो कॉन्सेंट्रेट होकर काम करते हैं। और मैं ऐसा सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात नहीं कर रहा, इवन दैट आप जो भी काम कर रहे हो, आप मान लीजिए स्कूटी चलाना सीख रहे हो, तो आप जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के एक बार में तरीके से उसके ऊपर बैठ जाओ, सारी चीजों सोच के, इसे करने से क्या होगा, इसके करने से क्या होगा, हॉर्न कब बजाना है, सारी चीजें सोचो और चल दो। अब आप बार 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 डर के या जल्दबाजी में कुछ कर रहे हो तो फिर वो दिक्कत होती है। चलिए, तो डिस्टेंस अब मैं अगला लेता हूं। मैंने 2f के ऊपर अपना ऑब्जेक्ट रखा, बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाया, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये स्टेट चली गई, ये फोकस से निकलेगी, इस पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट हुई, इमेज फॉर्मेशन हो गया।
तो इमेज फॉर्मेशन के लिए रेज का आपस में काटना जरूरी है, तो नो डाउट ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज फॉर्मेशन हो गया। जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं। अब मान लीजिए डाइवर्ज हो जाती है, आगे केस मिलेगा, डाइवर्ज हो जाती है तो डाइवर्ज के केस में तो कभी वो आपस में मिलेगी नहीं, इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं। तो फिर आपने क्या करना है, फिर उनको आपने हाइपोथेटिकली वापस लाना है, इमेजनरी फॉर्म में वापस लाना है, कहीं तो वापस लाने पे कटेंगी, बस वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हमने कुछ देखे, कुछ और आगे बढ़ाए मैं सारे ही क्लियर करूंगा, और आपसे ये होप रखूंगा कि आप घर पे जाकर के इन सारे इश्यूज को अपने आप से बनाएंगे और सेल्फ रियलाइज करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट केस में मैंने F और 2F के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखा है, भैया यहां से भी वही कॉन्सेप्ट है, पैरेलल गई आफ्टर रिफ्रेक्शन फोकस से निकल गई, एक मेरी ऑप्टिकल सेंटर से निकली विदाउट एनी डेविएशन क्लियर हो गई, यहां पे आके इंटरसेक्ट कर रही, इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब जो मैं भी कह रहा था इमेजरी कॉन्सेप्ट, देखिए इस वाली इमेज में आ गया, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां से भी प्रोसेस तो वही होगा, पैरेलल जाने वाली रे फोकस से निकल गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होने वाली रे विदाउट एनी डेविएशन बाहर निकल गई। अब ये क्या हो रहा है, यहां पर डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है तो कभी मिलेंगी नहीं, मिलेंगी तो इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं, तो क्या करोगे भैया, इनको वापस लौटा लो, हाइपोथेटिकली कह लो इमेजिनरी कह लो, यहां पे आके टकरा रही है इमेज फॉर्मेशन हो गया। नो डाउट अगर ये इमेजिनरी रेज आपस में इंटरसेक्ट करके इमेज फॉर्मेशन कर रही है तो मेरा इमेज फॉर्मेशन भी इमेजिनरी ही होगा, मैं इसको स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकता, मेरी आंखें तो काम करती है लेकिन मैं स्क्रीन पर नहीं ले सकता इसको। चलिए अब जरा कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे F के पीछे कहीं भी ये अपना ऑब्जेक्ट रखा, तरीका वो ये अडॉप्ट करना है, जो पैरेलल गई यहां से डाइवर्ज हो जाएगी, अब डाइवर्ज हो जाएगी तो फोकस पे कैसे मिलेगी, आप इसको वापस लेके आओगे, या भी फोकस पे इमेजिनरी, दूसरी आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास की, अब ये विदाउट डेविएशन चलेगी, अब नो डाउट एक इमेजिनरी और एक रियल दोनों मिल रही है यहां पे, तो इमेज फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी इमेज फॉर्मेशन इमेजनरी रे से होता है तो वो इमेजनरी ही होगा, इस केस में मैं नहीं ले सकता स्क्रीन के ऊपर, इस केस में नहीं ले सकता स्क्रीन के ऊपर, बाकी ऊपर के जो केसेस थे उनमें स्क्रीन के ऊपर इमेज को लिया जा सकता था। तो ये कुछ केसेस मैंने कराए हैं डियर स्टूडेंट्स, अब आपको घर पे जाके करना है। दो बातें और क्लियर कर देना चाहूंगा अभी, एक तो कॉन्सेप्ट आता है इनफाइनाइट का, देखिए इनफाइनाइट का मतलब क्या है, क्या इनफाइनाइट का मतलब 10 किलोमीटर है, क्या इनफाइनाइट का मतलब 50 किलोमीटर है, नेवर। ये F, ये 2F और पीछे चल दो जी, दैट इज 4F। अब 4F के बीचे कहीं भी आपने अगर अपना ऑब्जेक्ट किया है तो दैट मस्ट बी ट्रीटेड एज इंफिनिटी। डियर स्टूडेंट्स एक बात समझ लीजिए, बचपन से आप लोग एक चीज पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ते आ रहे हो कि भैया लाइट सीधी रेखा में चलती है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, अब कॉन्सेप्ट सही कर लो, लाइट सीधी रेखा में चलती है, जो हमें दिखती है 1.67 मीटर तक, यानी लगभग पौने दो मीटर तक, पौने दो मीटर के बाद में लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में बना हुआ है, बिल्कुल सही बना हुआ था, आपके टीचर्स ने यही पढ़ाया था, सही पढ़ाया था, आपके लेवल पर बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट अपना सही कर लो। अभी हम लोग वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में नो डाउट हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये जो इनफाइनाइट का केस है ये पौने दो मीटर के बाद नॉर्मली शुरू हो जाता है, ऐसे मान लीजिए, तो मैं जनरली जो अपने लेंसेज लेता हूं उसमें 4F जो है वो क्या होगा, दो मीटर ढाई मीटर पे जाकर के हो जाता है, तो इसके बाद कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वो ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे ट्रीट होगा। अगर 2F और 4F के बीच में कोई रखा हुआ है तो इसे कहते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2F में रखा है तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2F और F के बीच में रखा है तो बिटवीन F एंड 2F, F में रखा है तो एट F, F और O पे के बीच में रखा है तो बिटवीन F एंड O, तो ये इनकी नेमिंग है, जहां रखा है उसके बेसिस पे आप नेमिंग दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू, अब ये इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया तो आगे आता है मेरा थिन लेंस फॉर्मूला। अगर आप इस हेडिंग को देखेंगे तो इसी में हमने क्लियर लिख रखा है थिन लेंस फॉर्मूला, यानी ये जो वैलिडिटी है इस फॉर्मूले की
दैट इज ओनली फॉर थिन लेंसेज नॉट फॉर थिक। बीच में से बहुत ज्यादा मोटे या साइडों से बहुत ज्यादा मोटे लेंसेज के लिए ये काम नहीं करेगा, ये पतले लेंसों के लिए ये काम करेगा। लेंस फॉर्मूला तो सब जानते हैं, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। चाहे मेरा लेंस कॉनवेक्स हो, कॉनकेव हो, प्लेनो कॉनवेक्स हो, प्लेनो कॉनकेव हो, कैसा भी लेंस हो, लेकिन ये लेंस फॉर्मूला तो सबके लिए यही होगा। डियर स्टूडेंट, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट विद लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट था, लेंस को कैसे बनाना है, लेंस की फोकल लेंथ कैसे डिजाइन करनी है, वो हमने वहां पे पढ़ा था। ये एप्लीकेशन है, लेंस हमारा बन गया, अब उसको यूज कर। तो दैट इज द सेम फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स, कॉनकेव, एनी शेप, एनी टाइप। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको जब हम अप्लाई करते हैं, अब इसका प्रूफ तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं वो समझ लो, जो आपको नहीं करनी है। देखिए, यहां तीन पैरामीटर है, वी है, यू है, एफ है। अब तीन पैरामीटर में कोई दो आपको दे रखे होंगे, कोई तीसरा अननोन होगा। बस जो अननोन क्वांटिटी है, बेशक उसका साइन आपको पता है, आपको फॉर्मूले में उसका साइन डालना ही नहीं है। अननोन क्वांटिटी का साइन कन्वेंशन अपने आप से निकल के आता है जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आपको अपनी तरफ से उसका साइन नहीं डालना। जो भी नोन क्वांटिटी है, तीनों में से कोई भी दो नोन क्वांटिटी होंगी, सिर्फ उनका आपने क्या डालना है, साइन डालना है, अननोन का साइन कभी भी नहीं डालना। तो ज्यादातर बच्चे ये छोटी सी गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका हमेशा आंसर गलत हो जाता है। अब U क्या है, V क्या है, F क्या है, सब जानते हो। V इमेज डिस्टेंस है, कहां से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहां से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। F फोकल लेंथ है, कहां से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। यहां एक बात समझ लो, आपको अगर दे रखी है फोकल लेंथ, क्या आपको फोकल लेंथ दे रखी है, इसका मतलब साइन आपको दे रखा है। अब साइन तो वो अलग से देगा नहीं, तो भैया कॉनवेक्स के लिए ये पॉजिटिव यूज करनी है और कॉनकेव के लिए ये नेगेटिव यूज करनी है। हालांकि कॉन्सेप्ट तो आगे का भी है, सेकेंडरी और प्राइमरी वाला, लेकिन मैं उसको भी यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे। जब हायर लेवल के क्वेश्चन करोगे, थर्ड जनरेशन वाले क्वेश्चन करोगे, आईआईटी एडवांस के लिए करोगे, तो हम उन चीजों को डिस्क्लोज करेंगे, अभी आपको जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस फोकल लेंथ आपने पॉजिटिव ट्रीट करनी है कॉनवेक्स के लिए और नेगेटिव ट्रीट करनी है कॉनकेव के लिए, अगर ये आपको दे रखी है तो। अगर निकालनी है तो साइन अपने साथ लेके आएगी, आपको साइन नहीं डालना। चलिए, तो ये था मेरा थिन लेंस फॉर्मूला। अब थिन लेंस फॉर्मूले से आगे कुछ बातें हम लोग करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्या एजम्पशन, इसका प्रूफ हम करने जा रहे हैं, इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो देखो, ये एजम्पशंस आपको पता होनी चाहिए, नो डाउट। अब वन मार्क्स के क्वेश्चंस की वेटेज आपके यहाँ काफी बढ़ गई है और भी आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है। उसका रीजन क्या है, रिकमेंडेशंस हैं ये हम लोगों की। उसका रीजन ये है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उतना कंटेंट कवर हो जाएगा। अब मान लीजिए पांच क्वेश्चन पूछे पूरी फिजिक्स में से, तो भैया कंटेंट कितना कवर हुआ। अब मान लीजिए 47 क्वेश्चन पूछे तो कंटेंट काफी कवर हो गया। तो आगे आने वाली प्रोबेबिलिटी यह है कि हम जो है फिजिक्स में वन मास वाले ही सारे क्वेश्चन करते हैं और वो कॉन्सेप्ट निकाल निकाल करके, ये डेरिवेशन और ये सब जो है पूरे साल करते रहेंगे। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से सारे ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं। जैसे लेंस हमारा कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, लेंस का अपार्चर हमारा छोटा होना चाहिए, हमारा स्मॉल एंगल सबटेंड होना चाहिए आई के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में छोटा बनना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट का साइज भी हमारा छोटा होना चाहिए। अगेन हमने यहां पर लिख रखा है, ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एंड प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से अलग रख करके भी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉयडेड आती है, तो हमें अपने पर्पज के लिए अपने छोटे ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखना है। तो ये कुछ एजम्पशन है, लिस्ट कर रखे हैं, आपको सारे याद होने चाहिए, और एग्जाम में जब लिख के आओगे तो जो भी मैंने यहां एनसर्कल किया है या अलग कलर से रखा है, आप इनको हाईलाइट करके आओगे स्टूडेंट्स। अब डेरिवेशन की बात करते हैं, डेरिवेशन भी आप शायद करके आए होगे, तो नहीं करके आए हो तो भैया अब देख लो,
कोई भी इमेज फॉर्मेशन ले लो, किसी भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव के लिए ले लो, आपको करना ही काम है, मैं फिलॉसफी दे रहा हूं, उस फिलॉसफी के बेसिस पे आपको निकालना है। चलिए ये कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने, एफ और टू एफ के बीच में अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, इमेज फॉर्मेशन किया, एक पैरेलल रे ले ली, पैरेलल रे ले ली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से फोकस से होकर निकलेगी, सीधे निकल गई साहब। दूसरी मैंने प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से ली तो विदाउट एनी डेविएशन निकल गई साहब, इमेज फॉर्मेशन हो गया ए डैश पे। यहां पे मैंने ए बी लिया था, यहां पे जानबूझ के ए डैश और बी डैश लिया जिससे सिमिलरिटी बनी रहे। अब आपको यहां पे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं बहुत सारे, तो डियर स्टूडेंट्स आपने यहां सिमिलरिटी के लिए ट्रायंगल्स उठाने हैं, कौन कौन से उठाने हैं वो समझ लीजिए। देखो पहला तो उठाना है आपने ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, मैं यहां पे अलग कलर से इसको हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए एक तो आपने ये उठाया, अब इसकी खासियत क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर के साथ बन रहा है। दूसरा आपने ये वाला उठाया, इसकी खासियत क्या है, इमेज के साथ बन रहा है और ऑप्टिकल सेंटर के साथ बन रहा है। दो ट्रायंगल तो आपने ये उठाने हैं जो मैंने ब्लू वाले कलर से आपको दिए हैं, यहां से आपने सिमिलरिटी लगानी है। डिस्टेंस सिमिलरिटी में जो डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट है ये कभी भी आपको नहीं लगाना, इसकी जरूरत ही नहीं है, डायगोनल वाले कॉन्सेप्ट को सिमिलरिटी में कभी मत लगाओ, बहुत नॉर्मल सी बात है। एक सिमिलरिटी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच आ जाएगी, एक सिमिलरिटी एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसके बीच में आ जाएगी। तो आई होप सो पहली सिमिलरिटी आप इन दोनों ट्रायंगल से डालोगे, इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स के लिए हो, कॉनकेव के लिए हो, किसी के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सिमिलरिटी लेकर के मैंने यहां पे लिख दिया। अब दूसरी सिमिलरिटी के लिए जो ये ट्रायंगल कंसीडर करना है वो जरा मैं देखता हूं। देखो बच्चों दोनों ही मैं इमेज के लिए ले रहा हूं, फोकस के साथ में ले रहा हूं, पहली बात इमेज के लिए ले रहा हूं, दूसरी बात फोकस के साथ ले रहा हूं, तो इमेज और फोकस को लेकर के आपने ये बना लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट और फोकस को लेकर के बना लिया। अब आप कहोगे जी ऑब्जेक्ट तो यहां पे खड़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट लॉ पर क्या है 11th में, वेक्टर ही तो भैया हाइट है, हाइट वेक्टर होती है, कभी इसको आप इसके लिए मत ले लेना, इसको आपने डिस्प्लेस करके यहां पे ले लिया, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो अब ये ग्रीन वाला जो कॉन्सेप्ट है आपने एक सिमिलरिटी ग्रीन वाली लेनी है जिसमें फोकस को बेस करना है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही है। पहली वाली आपने ब्लू वाली लेनी है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों है लेकिन ऑप्टिकल सेंटर के साथ लेनी है, और दूसरी फोकस के साथ लेनी है। अब यहां भी जो आप प्रोपोर्शनलिटी लोगे सिमिलरिटी के अंदर, वो ये जो डायगोनल वाली है ये कभी भी नहीं लेगी, इसकी जरूरत ही नहीं है। आप एक तो लोगे ऑब्जेक्ट और इमेज को लेकर के, दूसरी लोगे एक्सिस पे ट्रेवल्ड डिस्टेंस को लेकर के। तो आई होप सो ये आपको ब्लू और ग्रीन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अच्छे फिलॉसफी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको कैसे लिखना है, कैसे परस्यू करना है, ये तो बहुत आसान सा काम है, चुटकी में खत्म होने वाला है, जरा देखते हैं हम लोग। ये मैं हटा दे रहा हूं, आप अपने दिमाग में भर लो या वीडियो को रिवाइंड कर लेना। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स पहला ऑब्जेक्ट मैंने लिया, पहली इक्वेशन बना दी, दूसरा लिया दूसरी इक्वेशन बना दी। अब दोनों में मेरी एक चीज कॉमन थी क्या, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो नो डाउट इनकी जो आरएचएस बचेगी वो आपस में बराबर होंगी, जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगी, बराबर होंगी तो मैंने ये यहां पे कॉन्सेप्ट डाल दिया। अब स्टूडेंट्स यहां पे ओबी डैश ओवर बीओ इक्वल्स टू एफबी डैश ओवर ओएफ, ये मैं कुछ नहीं कर रहा, बड़ा सिंपल सा काम कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंसेज मेरी निकल के आई है इन डिस्टेंसेज को सबको मेरे को लिखना है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। मान लीजिए ये डिस्टेंस थी एफ बी डैश, अब इस एफ बी डैश को बीच बीच में पड़ी हुई है भैया कैसे लिखूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ओ बी डैश ये पूरी लंबी वाली डिस्टेंस माइनस ओ एफ, तो मेरे पास क्या बच गया एफ बी डैश बच गया, ये काम मैंने कर दिया, बाकी तो सारी ठीक ही थी, बाकी सारी ठीक थी तो मैंने इनको यहां पे मेंशन कर दिया। डिस्टेंस अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मैंने अभी साइन कन्वेंशन पढ़ा था वो साइन कन्वेंशन डालता हूं, इन टर्म्स ऑफ यू वी एफ यहां तीनों का ही डालना है, आप प्रूफ कर रहे हो यहां पे अननोन नोन की बात ही नहीं है, यहां तीनों का साइन कन्वेंशन आपने डालना है। तो बच्चों देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का, इमेज डिस्टेंस प्लस का, और कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉइंट, बिना कुछ सोचे समझे तीनों चीज का साइन कन्वेंशन आपने यहां पर डाला, डाल करके इक्वेशन निकाल दी।
अब इस इक्वेशन को एक कॉमन टर्म यूवी एफ से डिवाइड करो। जैसे ही यूवी एफ से आप इस कॉमन टर्म को डिवाइड करोगे आपको लेंस फॉर्मूला मिल जाएगा। चाहे आप इमेज किसी से भी बनाओ, कॉनवेक्स से बनाओ, कॉनकेव से बनाओ, इमेजनरी बनाओ, रियल बनाओ, कैसे भी बनाओ, फॉर्मूला यही आएगा। यही फिलॉसफी आपने अडॉप्ट करनी है इमेज फॉर्मेशन के लिए भी। भैया पैनल ले जाओ, फोकस से निकाल दो, ऑप्टिकल सेंटर से लो, सीधे निकाल दो, हो गया इमेज फॉर्मेशन। अब दो ट्रायंगल, एक ऑप्टिकल सेंटर के साथ में, दूसरा फोकस के साथ में, कंसीडर करो। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है वो दोनों इक्वेशंस में कॉमन होगी, हटा दो। जो बची हुई आरएचएस है उनको एक दूसरे के सामने रख दो। अब साइन कन्वेंशन के साथ ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेस को मेजर करते हुए वैल्यू डालो, यूवीएफ से डिवाइड करो, आ गया जी फॉर्मूला। मैंने तो समझा लिया जी, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे कम से कम तीन बार, तब तक ये आपका पक्का नहीं होगा। आपको अपने हाथ से इमेज बनानी है, अपने हाथ से सिमिलरिटी लिखनी है, अपने आप से काम करना है, तो ये आपका पक्का हो जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे। आप इस बात को बड़े आराम से रियलाइज कर सकते हो। चलिए तो डियर फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया। अब इसी चीज को मैंने कॉनकेविटी के लिए इमेज बना के दिखा रखी है, प्रोसेस वही है, वही फिलॉसफी है। यहां नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो डियर फ्रेंड्स, जब वन डायमेंशनल मैग्निफिकेशन होता है तो मैं उसे लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से जानता हूं। अब मैग्निफिकेशन क्या है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आउटपुट ओवर इनपुट। या आउटपुट क्या है? साइज ऑफ इमेज। इनपुट क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने लिख दिया h2 ओवर h1, दैट इज द हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो मैं बना देता हूं दोबारा से डायग्राम, आपको भी आसानी हो जाएगी। ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा आया था, ये आ गया, ये था ए डैश बी डैश और ये आया था ए बी। सिमिलरिटी में आपको आया था क्या? ये अपॉन ये बराबर था ये अपॉन ये, यानी यहां पे u और v आ रहे थे और यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज आ रहे थे। ऊपर देख लेना, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं गया। तो डेरिवेशन उनकी जगह पे हम लोग ये डाल देते हैं, h2 ओवर h1 की जगह पे u और v डाल देते हैं। तो इट मे बी रिटन एज व्हाट? v ओवर u। अब देखो बच्चों, यहां कहीं ना कहीं आपको जो वैल्यूज हैं वो विद साइन कन्वेंशन ही डालनी है। दोनों पॉजिटिव है दोनों को पॉजिटिव डालो, दोनों नेगेटिव है दोनों को नेगेटिव डालो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव नेगेटिव डालो। साइन कन्वेंशन में आपको बता चुका हूं, ये हर केस में अलग अलग होगा। आपकी रियल इमेज बन रही है, इमेजनरी बन रही है, लेंस के दूसरी तरफ बन रही है, लेंस के उसी तरफ बन रही है, तो पर्टिकुलर केस के लिए आपको यू वी या एच ओ एच आई दोनों के या चारों के साइंस आपने डालने होंगे। चलिए डिस्टेंस को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया? 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u पढ़ा था, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए? v अपॉन u चाहिए, तो मैं पूरे को v से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये हो गया मेरे पास में 1, तो ये हो गया v अपॉन f इक्वल्स टू 1 माइनस v ओवर u। अब v ओवर u यही तो है मैग्निफिकेशन, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बच्चों? v अपॉन f इक्वल्स टू 1 माइनस m। तो देखिए मैग्निफिकेशन को मैं इन टर्म्स ऑफ ये भी निकाल के दे सकता हूं, फोकल लेंथ के टर्म्स में भी। तो ये कुछ नहीं किया मैंने इसकी, वैसे देखो तो आपको जरूरत भी खास नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चे जरूर इसको कर लें और इन सारे फॉर्मुलों को अपने दिमाग के अंदर रख लेंगे तो आंसर सीधे निकाल पाएंगे। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट है टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। दो फॉर्मुले यूज किए हैं, एक तो एम एच ओवर एच आई ओवर एच ओ, दूसरा वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन v माइनस वन अपॉन u, उसको v से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिल गया। सारा रियलाइज करना है आपने, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, अब इस कॉन्सेप्ट को इसमें डालेंगे। डिस्क्रिपेंसी आएगी नहीं, 0.01% अगर आती है तो आप जरूर मेरे से शेयर करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट। चलिए एज यूजुअल डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करना चाहेंगे। अब टेंथ में जितने आसान क्वेश्चन आपने पढ़े थे उतने आसान क्वेश्चन तो हम कराएंगे नहीं, उसको मुश्किल कराएंगे कराएंगे, ये तो पक्की बात है। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इन्फॉर्मेटिव होगा ऑब्वियस, एग्जाम्पल नंबर 17।
ए नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस फॉर्म ए इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। देखो भैया यहां फुल स्टॉप आ रहा है तो पानी पी के पूरी सांस में यहां तक तो पढ़ना ही है, फुल स्टॉप से या कॉमा से पहले तो आपको पता ही है रुकना होता ही नहीं, इंग्लिश तो जानते हो सब लोग। तो बच्चों इसी में बहुत सारी चीजें मिल रही है मेरे को, क्या एक तो मैंने हाईलाइट कर रखा है अदर साइड, दूसरी बात है स्क्रीन प्लेस्ड। भैया स्क्रीन पे बन रहा है तो ऑब्वियस है रियल इमेज बन रहा होगा, इमेजिनरी तो होगा नहीं, और रियल इमेज कहां होगा, अदर साइड ही होगा, तो दोनों बातें एक साथ उसने बता दी। अब इतना पढ़ने के बाद में मेरे को कॉन्सेप्ट मिल जाना चाहिए, बन जाना चाहिए कि भैया करना क्या है। आगे भी पढ़ लेते चलो कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज इफ द साइज ऑफ नीडल इज 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो यूनिट सिस्टम है उसको एसआईयू सिस्टम में ले जाना, सीजीएसयू सिस्टम में कोई खास मैटर नहीं करता, आप या तो सारा सीजीएस में रख लो या तो सारा एसआई में रख लो, बस इतना मत करना कि भैया कुछ एसआई में ले लो कुछ सीजीएस में कर लो। हाँ लेकिन जब आप पावर निकालोगे, क्या निकालोगे, पावर निकालोगे, तब जरूर आपको एसआईयू सिस्टम में ही डालना पड़ेगा, बाकी यहां पर कोई खास दिक्कत नहीं है। सारा कुछ सेंटीमीटर में लोगे तो आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, सारा कुछ मीटर में लोगे तो आंसर भी आपका ठीक है। चलिए तो आई होप सो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट। अदर लेंस, अदर साइड की लेंस की बात कर रहा है, स्क्रीन की बात कर रहा है, इसका मतलब लेंस तो हमारा कॉन्वेक्स है, बहुत सिंपल सी बात है क्योंकि कॉनकेव में तो स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है कभी। चलिए अब इसको देख लो भैया, मेरे दिमाग से तो ये इमेज बननी चाहिए, 45 सेंटीमीटर पे तो ऑब्जेक्ट रखा है और दूसरे साइड में यहां पे स्क्रीन है, 90 सेंटीमीटर पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है, और ये हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आपको ये इमेज की हाइट जो है वो निकाल के देनी है। इतनी सी बात है भैया, मैं तो नहीं समझता इसमें कोई दिक्कत है। चलो अब ये तो हो गया माइनस का यू बच्चों, ये हो गया प्लस का वी, कॉन्वेक्स लेंस है, अब फोकल लेंथ तो वो निकलवा रहा है भैया, जरूरत ही नहीं है, आप डालो ना एक साइड में यू माइनस डालो, दूसरी साइड में वी पॉजिटिव डालो, तो एफ आपका अननोन क्वांटिटी हो गया, तो एफ आपको पॉजिटिव अपनी तरफ से डालने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं है, आप तो बस लेंस फॉर्मूले में डालो, आपको एफ के साथ में साइन अपने आप से आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो कह देना कॉन्वेक्स है, वैसे तो कॉन्वेक्स है कॉन्सेप्चुअली पता लगा रहा है, लेकिन न्यूमेरिकली भी ये पॉजिटिव ही निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो u आपका माइनस का 45, v आपका प्लस का 90, अब थिन लेंस फॉर्मूला यूज कर लो, तो जैसे ही थिन लेंस फॉर्मूला यूज करोगे आपको f जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो आप कह दोगे कि भैया ये जो है कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस है। मैग्निफिकेशन भी निकाल दो, जो h2 ओवर h1 v ओवर u वैल्यू डालो जी यहां पे h2 ओवर 5। अब साइन कन्वेंशन भी आपने डाल देना है, या तो v ओवर u के टर्म्स में, भैया v आपका पॉजिटिव था तो 90 आपका पॉजिटिव हो गया और u आपका नेगेटिव था तो माइनस का 45 हो गया, आपको सीधे सीधे H2 माइनस में आ गया, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी होगी, इनवर्टेड होगी। तो डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को लेकर के ये क्वेश्चन हमारा डन हुआ, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है आपको जल्दबाजी लगे, कोई बात नहीं हम यहां थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, घर पे जाकर के आराम आराम से पढ़ लेंगे, इन चीजों को दोबारा से कर लेंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए हमारे सिलेबस में अगर देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर थ्योरी में नहीं है, लेकिन बच्चों प्रैक्टिकल हमारे यहां है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर भी है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लेंस भी है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे, कॉन्सेप्ट हो सकता है ना पूछे, न्यूमेरिकल पूछेगा, और ज्यादातर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो एक क्वेश्चन आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिरर का मिलता ही मिलता है। चलो जी वहां भी नहीं आता, जो आपके एग्जामिनर महोदय हैं वो तो आपको जब 30 नंबर देने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से परखेंगे कि आपको आता कितना है, तो वो तो पूछ ही सकते हैं, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको टू लेयर में क्वेश्चन करना है।
पहली लेयर में जो भी पहला लेंस या मिरर है उसका इमेज बना लो, जो इमेज आएगा उसको दूसरे के लिए एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लो, आंसर निकाल के देखो। एक छोटी सी प्रिकॉशन, क्या साइन कन्वेंशन जो यूज करोगे वो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका होगा उसी के रेस्पेक्ट में करोगे, साइन कन्वेंशन बार बार नहीं बदलोगे, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से आपने साइन कन्वेंशन लिया था वही तरीका आप एडॉप्ट करते जाओगे। अब बाकी की बातें न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएंगे, हर न्यूमेरिकल कुछ कहता है। अब जिसको मुश्किल लग रहा हो वो दो तीन बार कर लेना, फिर भी मुश्किल लग रहा हो छोड़ देना, कोई जरूरी थोड़ी सारे बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट होंगे, कोई जरूरी थोड़ी सारे बच्चे जो है 100 out of 100 लाएंगे भैया, कुछ बच्चों को तो 80 पे भी रुकना है कि नहीं रुकना, नहीं रुकना तो कर लो। चलो, इन द फिगर द डायरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस एफ इक्वल्स टू 10 cm, साइन नहीं दे रखा, इसका मतलब कॉन्वेक्स है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ओ, ये जीरो नहीं है ओ है, एंड दैट फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद भी इमेज फॉर्म हो रही है, फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर आर फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट ओ डैश, यानी जो इनिशियल और फाइनल है वो एक ही पॉइंट पे है, कहां पे है ओ डैश पे, डायग्राम को बाद में देखेंगे, पहले तो इसको पढ़ लेते हैं, जितना यहां से समझ अच्छी बात है फिर डायग्राम पढ़ेंगे, फिर भी समझ नहीं आएगा तो फिर इसको पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, दो तीन बार पढ़ लोगे। वट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, पूछा क्या है मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है, डायग्राम उसमें दे रखा है, तो मैं समझता हूं आधा क्वेश्चन तो डायग्राम देखते ही क्लियर हो गया था। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं यहीं इसी स्लाइड पर ही बात कर लेता हूं, बस थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता हूं जिससे कि आपको आसानी रहे। ये देखिए, ये चलो ऊपर तो उठा ही नहीं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें हो क्या रहा है जरा समझो, ये कॉम्बिनेशन है लेंस मिरर का, सबसे आसान वाला कॉम्बिनेशन है, और इसी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपके यहाँ एक एक्सपेरिमेंट भी है। आप ऐसे मान लो यहां कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है छोटा वाला, इसकी इमेज यहां बनती है, पहला केस ये ऑब्जेक्ट ये इमेज। अब दूसरा केस, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से इसके ऊपर इमेज, और इस इमेज का फर्दर इमेज इसी के ऊपर। समझ गए मैंने क्या कहा, नहीं समझे कोई बात नहीं, दोबारा समझाता हूं। इनिशियल ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस जगह पर, इस इमेज का फर्दर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इस मिरर की हेल्प से, यानी पहले केस का जो इमेज था वो दूसरे केस के लिए एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां पे जो इमेज बन रही थी इसको ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया, इस मिरर से इसकी इमेज इसी के ऊपर दोबारा बन गई, और इस इमेज की फर्दर इमेज इसके ऊपर बन गई। इतनी सारी की सारी बात जो मैंने समझी उसमें मुझे एक ही बात समझ में आई, क्या इमेज के ऊपर इमेज बन रही है या ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज बन रही है, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस मिरर की। ये पर्टिकुलर केस में ही ऐसा होता है, या तो 2f के ऊपर लेंस में रखा हो तो 2f पे इमेज बन जाती है, ठीक है, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के केस में तो उसी के ऊपर इमेज बन जाएगी। मैंने कहा था ना भैया पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उन सब की जरूरत यहां पड़ेगी, तो जिन लोगों ने बीच में थोड़ा गड़बड़ कर दी है, कहीं घूमने घामने चले गए हैं, आधी क्लास लेकर के फिर आके बैठ गए हैं, तो वो मेहरबानी करके उन क्लासेस को रिपीट कर लो, ठीक है। तो बच्चों ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, किसके केस में, मिरर के केस में। ये मेरे को यहां पे की कॉन्सेप्ट डालना है, अब तो हो गया क्वेश्चन, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करोगे, फिलॉसफी फिर समझो, ये आपका यू हो गया पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, ये आपका वी हो गया पॉजिटिव, किसके लिए, लेंस के लिए, ठीक है बच्चों। अब जरा मिरर की बात करो, ये वाली डिस्टेंस U हो गई मिरर के लिए, ये वाली डिस्टेंस V हो गई मिरर के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर अननोन क्वांटिटी है, इसका साइन आपने लेना नहीं है। अब जब बात करोगे किसकी डिस्टेंस में, उसकी साइन कन्वेंशन की, देखो यहां ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली, ये वाली डिस्टेंस आप इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, मैंने इसको पॉजिटिव कहा है,
अब यहां से आगे गई रे तो यू मेरा पॉजिटिव हो गया, इसमें देखो उसी डायरेक्शन में जा रही है, वापस आई तो वी मेरा नेगेटिव होगा इस केस में, यानी मिरर के केस में जो वी है वो नेगेटिव होगा और यू जो है वो पॉजिटिव। ठीक है, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है बच्चों, जो आगे बहुत काम आएगा, हो सकता है इस क्वेश्चन में जरूरत ना पड़े हमें, लेकिन आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये फिलॉसफी आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये ऑब्जेक्ट इमेज, इस इमेज को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट किया इसके लिए, इसका इमेज फर्दर इसके ऊपर बना और इस इमेज का फर्दर इमेज इसके ऊपर बन गया। गेट इट द कॉन्सेप्ट? रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल बिगिनिंग में पढ़ा था ऑप्टिक्स में, यहां रिवर्सिबिलिटी पूरी पूरी यूज हो रही है, लेकिन यहां प्लेन मिरर नहीं है, यहां कर्व मिरर है, तो मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं एक्सपेरिमेंट भी करूंगा, मुझे समझ में आ जाना चाहिए, यही काम मुझे एक्सपेरिमेंट में करना है। मैंने पहले कॉन्सेप्ट के लिए फॉर्मूला डाला, क्या आ गया जी 30 सेंटीमीटर आ गया, क्या एलो, एलो का मतलब यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, ये पूरी 50 दे रखी है, 30 इसमें आ गई, कॉन्सेप्ट ने बता दिया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सीधी सी बात है 20 बची, ये लो जी आंसर आ गया 20, पॉजिटिव आ गया अपने आप से निकल करके, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था जो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा, मैं आज की क्लास को यहीं ओवर करूंगा, अपच हो जाएगी, दोनों ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो आसान थे, लेकिन आगे जो आने वाले क्वेश्चन है इनमें फर्दर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लेंस यूज करना है, तो आप करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा मैं समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने मैंने क्वेश्चन कराए, अभी दो क्वेश्चन कराए, ये दो जरूर आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को मैं यहीं ओवर कर रहा हूं, थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।